खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। 8 बजे के नंबर वन शो एबीपी स्पेशल में आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है। एबीपी स्पेशल में सबसे पहले बात करते हैं ममता दीदी में आ रहे स्पेशल चेंज की। देखिए हुआ क्या है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ममता बनर्जी, हमारी ममता दीदी के तेवर कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। ममता दीदी ने अपने विधायकों के साथ बैठक करके उन्हें जनता से विनम्रता के साथ पेश आने की नसीहत दी है और गलती पर माफी मांगने को भी कहा है। तो क्या मोदी के डर से ममता दीदी में आया है यह बदलाव? पहले कट मनी वापस करने को कहा, फिर भगवान राम के दूसरे रूप जय जगन्नाथ की आरती की। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं विवलंतं सर्वतोमुखं नृसिंहं वीशरं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। जय जगन्नाथ। और अब नम्र तरीके से राजनीति करने का ज्ञान दे रही है टीएमसी के प्रमुख ममता बनर्जी। ये ममता का बदलता सियासी रूप है। बदलता इसलिए क्योंकि कटमनी तो पार्टी कार्यकर्ताओं के जीवन का हिस्सा हो चुकी है और ममता का राम विरोध किसी को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अब उन्होंने ट्रैक चेंज कर लिया। कल उन्होंने कोलकाता में अपने विधायकों से कहा, आप लोग विनम्र होकर जनता से मिलें और अपनी पिछली गलतियों के लिए उनसे माफी मांगें। सौम्य और नम्र तरीके से पार्टी के लिए काम करें, साथ ही पुराने जो लोग छोड़कर गए हैं उन्हें लाने का प्रयास किया जाए। देखिए, ममता बनर्जी जी को कोई सलाहकार इस प्रकार की राय दे रहा है कि आप अपने इमेज किस प्रकार से ठीक कर सकती हैं। मूलतः उनका स्वभाव जिस प्रकार से है, वह मूल स्वभाव में झगड़ा करना और लोकतंत्र का गला घोटना और एरोगेंस का उनका मूल स्वभाव है। इस प्रकार के जो बातें कर रही है, वह चुनाव से पहले ऐसी बात करना, विधायकों को यह जाना कि कहना कि फेस सेविंग है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो भी सलाहकार के राय पे कह रही है, अपने आप उनकी इच्छा हो, अपने आप उनको रियलाइजेशन तो समझ में आता है। कोई सलाहकार कहता, सलाहकार के कहने पे अगर आप कोई काम करते हैं तो उसका लाभ होता नहीं है। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ममता ने विधायकों के साथ ये पहली बैठक की थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ममता के किले में सेंध लगाकर ममता को बुरी तरह हराया था। माना गया कि जय श्री राम का विरोध करना ममता को महंगा पड़ा। हाल ये हो गया कि बंगाल की राजनीति में ममता की पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने वालों की बाढ़ सी आ गई। ममता की पार्टी के 100 से ज्यादा पार्षद और आधा दर्जन से ज्यादा विधायक बीजेपी में चले गए। 28 मई को 2 विधायक और 50 पार्षद, 30 मई को विधायक मोनिरुल इस्लाम, 17 जून को 1 विधायक और 12 पार्षद, 24 जून को विधायक विल्सन चंपरामरी बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी का दावा है कि अभी और कई विधायक बीजेपी में आने की लाइन में है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के दौरान कहा था कि टीएमसी के 40 विधायक उनके साथ आने को तैयार हैं। दीदी, आपकी जमीन खिसक चुकी है और दीदी देख लेना, 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे, चारों तरफ कमल खिलेगा, तो तुम्हारे विधायक भी आपको छोड़कर के भाग जाएंगे। दीदी देख लेना, आज भी
दीदी तुम्हारे 40 विधायक मेरे संपर्क में है आज भी। दीदी तुम्हारा बचना मुश्किल है अब, क्योंकि आपने विश्वासघात किया है। ममता 2016 में प्रचंड जीत के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन 3 साल में ही उनका जादू ठंडा पड़ गया। ठंडा ऐसा कि जो ममता माँ माटी मानुष की बात करती थी, वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा होने लगी, और उनके इसी गुस्से को चुनाव में बीजेपी ने बुनाया और नतीजे अपने पक्ष में किए। अब विधानसभा चुनाव की बारी है और बीजेपी ममता को उनके किले में खदेड़ने की तैयारी कर रही है, तो ममता भी जाग गई है। पहले उन्होंने 8 साल से लिए जा रहे कट मनी की रकम वापस करने के आदेश अपने कार्यकर्ताओं को दिए। कट मनी वो रकम है जो घूस के तौर पर काम के बदले उनके समर्थक लेते थे। जमीन खिसकता देख ममता ने घूस की रकम लौटाने को कह दिया, लेकिन बीजेपी को उसने मुद्दा दे दिया। सड़क से लेकर संसद तक ममता की कटमनी के खिलाफ बीजेपी ने माहौल बनाया। जन्म থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কাটমানি চাওয়া হচ্ছে এবং চিফ মিনিস্টার স্বীকার করে নিয়েছেন যে কাটমানি নেওয়া হচ্ছে আর সেই জন্য কাটমানিটা ফেরত দাও। ममता विधायकों से माफी मांगने और सौम्य तरीके से बात करने को कह रही है। ये बीजेपी के बढ़ते प्रभाव का आफ्टर इफेक्ट है, क्योंकि ममता का गुस्सा तो सब जानते हैं और बंगाल की राजनीति की रग रग में बम गोली बारूद और मारपीट है, ये भी सब जानते हैं। बम बारूद की राजनीति के लिए कुख्यात टीएमसी के प्रमुख ममता का ये कहना कि विधायक नम्र तरीके से पार्टी के लिए काम करें, उनके बदले रूप को बताता है, और ये रूप बदला है चुनाव में हार से। जहां राजनीति की बुनियाद ही खून खराबे और मारपीट पर रखी गई हो, वहां नम्रता किस काम आएगी, ये देखने और समझने वाली बात होगी। कहा यह जा रहा है ममता बनर्जी ने जब से प्रशांत किशोर को अपना रणनीतिकार बनाया है, तब से वो बदल सी गई हैं और बातें ऐसी ऐसी कर रही हैं जो उनके राजनीतिक विज्ञान से मेल नहीं खाती।